अस्सलामु अलैकुम, मैं जुलेखा अरफान जुलेखास किचन से। तो चलिए बनाते हैं चार ब्रेड रेसिपीज जिसे आप स्टोर फ्रीज करके रख सकते हैं, जब मर्जी करें निकालें और फ्राई करें। तो चलिए बनाते हैं साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार ब्रेड रेसिपीज आज की। चलिए ये है 200 ग्राम चिकन बोनलेस, ये पकी हुई है, छोटे छोटे पीस कर लिए थे मैंने। थोड़ा पानी डाल के, नमक डाल के, एक छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और इसे अच्छा बॉईल कर लिया। एक से दो टेबलस्पून जितना सिर्फ पानी रहा ना, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ठंडा होने पे यहाँ पर मैंने यहाँ श्रेड कर लिया। ये दो मीडियम साइज के बॉईल करे हुए आलू हैं, इसे भी मैं वही बर्तन के अंदर आप देख सकते हैं थोड़ा सा चला के डाल देती हूँ, सो दैट जो भी अदरक लहसुन का पेस्ट लगा हुआ हो वो सारा उसमें आ जाए। इसे साइड पर रख दीजिए। अब एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा मक्खन डाल दीजिए, एक डेढ़ टेबल स्पून जितना। मैं थोड़ा सा मक्खन डाल रही हूँ और थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, आप चाहें तो सिर्फ मक्खन भी डाल सकते हैं। इसमें आधा छोटे चाय का चम्मच कुटा हुआ लहसुन डालकर इसे फास्ट आंच पर फ्राई करें आधे एक मिनट के लिए। जब आधा एक मिनट हो जाए तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आँच। उसमें डाल दीजिए 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच भुना और पीसा हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, ज़्यादा मत डालिएगा, हल्का सा ही डालिएगा, बाद में आप एडजस्ट कर सकते हैं। मिक्स कर लीजिए स्लो आंच पर, आधे मिनट तक इसे भून लीजिए ये मसाले को। ज़्यादा जले ना, बस आधे मिनट तक ही भूनिएगा। और ये जो चिकन डाल दीजिए और आलू भी डाल दीजिए मैश कर, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए आधे एक मिनट तक। इसे अच्छे से आलूओं को और चिकन को ये मसाले में बार बार चलाते हुए पका लें। तब तक पकाएं जब तक ये जो पूरी तरीके से मैश नहीं हो जाते आलू, और ये जो पूरा मसाला इनमें भून नहीं जाता, मसाला पूरा मसाले का टेस्ट इसमें नहीं आ जाता, तब तक इसे आधे एक मिनट तक भून लीजिए। जब पूरा मैश हो जाए तो इसमें डाल दीजिए खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया, और उसे उसी समय एक बाउल या एक प्लेट में निकाल लीजिए। हल्का ठंडा हो जाए तो हाथों की मदद से इस तरीके से मैश करने की ज़रूरत लगे तो मैश कीजिएगा, हल्की गुठलियाँ रहें तो ही मैश कीजिएगा। यहाँ पर साइड पर आप देख सकते हैं लंबी लंबी चीज़ की मैंने स्ट्रिप्स पैक बना ली है, बहुत मोटी नहीं बनाई है, आप मोटी चाहें तो बना सकते हैं, पतली पतली रखिएगा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा तेल लीजिए हाथों पर लगाइए और एक छोटा सा पोर्शन लीजिए, बहुत बड़े बड़े मत बनाइएगा क्योंकि हमें ब्रेड में भी भरना है इसे। अब इसका एक छोटा सा पोर्शन लीजिए, इस तरीके से हाथों की मदद से चपटा कीजिए और लंबा करते जाइए और पतला करिए, और बीच में ये जो हमारी चीज़ की स्टिक है ये रख दीजिए और इसे कबाब का शेप दे दीजिए। चारों ओर से इसे इस तरीके से सील कर दीजिए। अच्छा, अब ब्रेड में लगाकर देख लीजिए कि आपकी साइज़ बराबर है कि नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं मेरी थोड़ी सी मोटी हुई है, तो अब मैं नेक्स्ट वाले क्या कर रही हूँ, और पतली बना रही हूँ। तो प्रोसीजर वही रहेगा, थोड़ा लंबा चपटा करते जाइए और बीच में ये स्टिक रखिए चीज़ की, और इसे आप इस तरीके से कबाब में बनाते जाइए। थोड़ा पतला बनाइएगा कबाब और बीच में स्टिक रखनी है अपने चीज़ की, तो उस हिसाब से पतला ही, क्योंकि इसे रोल भी करना है हमें अभी ब्रेड के अंदर। तो ये वाली साइज परफेक्ट है, वो पतली वाली साइज के हिसाब से मैंने सारे बना लिए हैं। अब ब्रेड के जो कट्ठे हैं वो सारे निकाल लीजिए, मतलब एजेस, और इसे बेलन की मदद से अच्छे से रोल कर लीजिए इस तरीके से, तो और थोड़े चपटे हो जाएंगे। इसी तरीके से सारों को बेल लीजिए और साइड पर रखते जाइए। अब ब्रेड लीजिए, इसके बीच में इस तरीके से आप हमारी कबाब रख दीजिए, रोल कीजिए, और साइड को एजेस को आप चाहें तो पानी से सील कर सकते हैं, या फिर मैंने तो क्या किया, ये बना लिया पेस्ट, आटा कुछ नहीं लिया, आटे को थोड़ा सा लिया, उसके अंदर थोड़ा पानी डाला और उसे एक मीडियम टाइप घोल बना लिया, मीडियम कंसिस्टेंसी का, बस उसी को मैं लगाते जा रही हूँ। साइड्स को हम पैक नहीं कर रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं, सिर्फ मैं साइड्स, लॉन्ग साइड्स को पैक कर रही हूँ, छोटी एजेस को पैक नहीं कर रही हूँ, बस इसी तरीके से साइड पर रख दीजिए। तो ये मैंने सारे बना लिए हैं, आप चाहें तो अब इस समय आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। साइड बाय साइड मैं यहाँ पर जब वो फ्रिज में है तो दो अंडे फोड़ लेती हूँ एक प्याली में डालकर, 3-4 टेबलस्पून दूध डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए थोड़ा सा, और बहुत अच्छे से फेंट के इसे साइड पर रख दीजिए। आधे घंटे के लिए जो फ्रिज में रखा था उसे निकाल लीजिए, अंडे के अंदर अच्छे से लोटिए इसे, और फिर ब्रेड क्रम्स में बहुत अच्छे से
इस तरीके से कोट कीजिए, साइड्स को नहीं करना है अभी, हाँ बस पहले बीच का कीजिए। अब क्या कीजिए, अब इसे साइड्स को अंडे में अच्छे से डालिए, और ये मैंने साइड पर रखे हैं सेवियां, हल्की सी हाथों की मदद से क्रश कर ली थी मोटा मोटा। अब इसे इस तरीके से आप हाथों में लीजिए और इस तरीके से लगाते जाइए। ये देखिए तो क्या बढ़िया सा खूबसूरत लगने वाला है। ये देखिए नीचे से भी अच्छे से कोट अंडे में डालिए और अच्छे से वेल कोट कीजिए सेवियों में, तो आप देख सकते कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा आपको लगे कि अंदर से सी थ्रू साइड से दिख रहे हैं, तो फिर से अंडे के अंदर डालकर, फिर से आपने सेवियों के अंदर डालकर इसे अच्छे से वेल कोट कर दीजिए कि हमारा अंदर का जो है चिकन उस तक ये कुछ दिखना नहीं चाहिए, तो वो बराबर से हमारा प्रॉपरली सील हो जाएगा ना। इसी तरीके से सारे बना लीजिए। अभी आपको फ्राई करना है तो आधे पौने घंटे के लिए फ्रिज में रहने दीजिए, और अगर आपको अभी फ्राई नहीं करना है और आपको फ्रीज करना है तो 1-1.5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। अच्छा ये आप देख सकते हैं, दो मेरे पास सेविया नहीं थी तो मैंने दो को डायरेक्टली फिर से उसमें ही कोट कर दिया ब्रेड क्रम्स में। मैं इसे स्टोर कर रही हूँ तो एयरटाइट कंटेनर में नीचे पहले तो ये लगा दीजिए बटर पेपर, उसके बाद लाइन से एक तरीके से ये लगा दीजिए हमारे जो चिकन चीज रोल्स हैं, उसके बाद फिर से बटर पेपर लगाकर फिर से एक लाइन लगा दीजिए इसकी, और फिर से ढक कर एकदम एयर टाइट कंटेनर में फ्रीजर में रख दीजिए ढक कर। 1 महीने तक आप रख के इसे खा सकते हैं। मैं नेक्स्ट डे फ्राई कर रही हूँ तो एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए, चूल्हा अच्छा गर्म हो जाए फास्ट आंच पर तो मीडियम आंच कर दीजिए चूल्हे को, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर 3-4 एट अ टाइम डाल दीजिए रोल्स को, और इन्हें मीडियम आंच पर फ्राई करें। आप चाहें तो मीडियम आंच से थोड़ा सा हल्का नीचे रख सकते हैं आंच को, कि हमें ये है कि क्रिस्पी भी हो, और चिकन तो पक चुकी है बाय द इसके अंदर तो, लेकिन वो जो अंदर की चीज़ है वो भी तो मेल्ट होनी चाहिए ना, तो इसके लिए आप चाहें तो हल्का सा मीडियम से स्लो कर सकते हैं, मीडियम से हल्का नीचे हाँ, लेकिन आप चाहें तो मीडियम पर भी रख सकते हैं। जब आप देखें कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी लग रहे हैं आपको, करारे लग रहे हैं, तो इन्हें निकाल कर साइड पर रख दीजिए छन्नी के ऊपर, टिश्यू पेपर के ऊपर मत रखिएगा नहीं तो सौगी हो जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे, और इन्हें इसी तरीके से बैचेस में फ्राई कर लीजिए मीडियम आंच पर। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्रिस्पी बने हैं, आवाज सुनिए क्या क्रिस्पी है माशाल्लाह, और मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या चीज़ ऊज आउट हुआ है माशाल्लाह, क्या लग रहा है चीज़ें एकदम अच्छा। हम ज़्यादा चीज़ खाते नहीं है तो मैंने पतली स्ट्रिप डाली थी, आप मोटी भी डाल सकते हैं। अच्छा इसमें ये वाली रेसिपी में जो भी मिर्च डाली गई है, काली मिर्च और ये जो भी स्पाइसेस ज़्यादा डाले गए हैं वो अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिए मिर्च को, और ये बन गए हमारे बढ़िया से चिकन चीज़ी ब्रेड रोल्स खाने के लिए रेडी। पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, इसमें डाल दीजिए 3/4 छोटे चाय का चम्मच कूटा हुआ लहसुन, या फिर एक भी डाल सकते हैं छोटा चाय का चम्मच, और इसे फास्ट आंच पर फ्राई करें। आधे से 1 मिनट तक लहसुन को फ्राई करना है। फ्राई हो जाए तो इसे स्लो कर दीजिए चूल्हे को, और इसमें डाल दीजिए 125 से 150 ग्राम बॉईल करी हुई चिकन। चिकन में कुछ नहीं, मैंने तकरीबन समझिए ना थोड़ा सा पानी डालकर, नमक डालकर, 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे बॉईल कर लिया था, पानी पूरा सूख गया, इसे मैंने श्रेड कर लिया। तकरीबन आधा कप बॉईल करी हुई चिकन है हाँ। अच्छा इसे तकरीबन 1.5 मिनट तक स्लो आंच पर फ्राई करें। 1.5 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 से 1.25 टेबल स्पून जितनी बारीक कटी हुई प्याज, 1 भरकर 1 से 1.25 टेबल स्पून गाजर, और 1 भरकर शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, तीनों भी बारीक कटी हुई है। इसे मिक्स कर लीजिए एक बार, और इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच भुना और पीसा हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 या चुटकी भर काली मिर्चों का पाउडर, और 1/4 छोटे चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स या फिर ऑरेगानो हर्ब डाल सकते हैं आप, और 1/4 छोटे चाय का चम्मच सोया सॉस, और 1/2 छोटे चाय का चम्मच चिली सॉस।
सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आधे एक मिनट तक इसे स्लो आंच पर पकने दीजिए। आधा एक मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसमें कोथमीर यानी कि हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालकर इसे साइड पर रख दीजिए ठंडा होने के लिए। 10-12 ब्रेड के कट्ठे चारों ओर से काट लीजिए इस तरीके से और एक एक लेकर इन्हें बेल लीजिए और सारों को बेल कर साइड पर रखते जाइए। एक बेला हुआ ब्रेड लीजिए और इसके बीच में ना हमने वो जो प्रिपेयर करा हुआ मिक्सचर है उसे 1 टेबलस्पून डाल दीजिए एकदम बीचों बीच और चारों एजेस पे आप चाहें तो आटे की लई या फिर पानी भी लगा सकते हैं। और सबसे पहले तो अपोजिट दो को इस तरीके से पिंच कर लीजिए उठाकर, फिर बाकी के दो अपोजिट को उठाइए और इस तरीके से पूरे एक साथ चारों को पिंच कीजिए बीच में, तो इस तरीके से एक छोटी सी पार्सल टाइप बन जाएगा। अब ये जो खुला हुआ सेक्शन दिख रहा है उसे भी हल्का पानी लगाकर या फिर आटे की लई लगाकर इस तरीके से पैक कर लीजिए। तो ये बन गया हमारा एक, इसे साइड पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारे बना लीजिए, है ना बढ़िया सा। तकरीबन आधे कप चिकन के ये वाले मेजरमेंट से 9 पार्सल्स बने हैं। आपको ज़्यादा बनाना है तो आप मेजरमेंट पूरा डबल कर दीजिए तो 9 के बजाय 18 पार्सल्स बन जाएंगे। ये सारे बन चुके हैं, अब आप चाहें तो इन्हें फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए। एक अंडा फोड़कर एक प्याले में डाल दीजिए, थोड़ा सा 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना दूध डाल दीजिए, नमक डालकर इसे बहुत अच्छे से फेंट कर साइड पर रख दीजिए। एक चिकन पार्सल लीजिए, इसे इस तरीके से अंडे में चारों ओर उलट पलट करते हुए लोटिए और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डालकर वेल कोट कर लीजिए चारों ओर से और ये बन गया हमारा एक, प्रिपेयर हो गया है चिकन पार्सल। इसी तरीके से सारे बना लीजिए। सारे बन जाए तो आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद फ्राइंग करिएगा। चलिए ये मैंने सारे बना लिए हैं, तकरीबन 9 बने हैं, मैं इसी समय फ्राइंग कर लेती हूँ। एक कढ़ाई को फास्ट आंच पर गरम कर लीजिए, जब अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारे ये एक चिकन पार्सल्स डाल दीजिए और इसे मीडियम आंच पर उलट पलट करते हुए फ्राई कीजिए। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए और चारों ओर से क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि अंदर से चिकन तो पकी हुई है, तो इन्हें निकाल कर साइड पर छन्नी के ऊपर रख दीजिए, टिश्यू पेपर के ऊपर मत रखिएगा नहीं तो सौगे हो जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे। इसी तरीके से बैचेस के अंदर सारे फ्राई कर लीजिए। इसे आप फ्रीज करके भी 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। प्रोसीजर ये रहेगा कि जब आप अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा लें उसके बाद 1 घंटे के लिए एज इट इज थाली के साथ फ्रीजर में रख दें 1 घंटे के लिए। जब 1 घंटा हो जाए तो निकाल लें और उसे जिप लॉक बैग के अंदर डाल दें और फिर से फ्रीजर में डाल दें और 1 महीने तक रख के खाएं। अगर आपके पास जिप लॉक बैग ना हो तो एयर टाइट कंटेनर में बटर पेपर डालें, ये सारे लगा दें एक लाइन, फिर से बटर पेपर रखें उसके ऊपर फिर से इसकी लाइन लगा दें, ढककर फ्रीजर में ऊपर रख दें, 1 महीने तक रख के खा लें। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बने हैं, बढ़िया से माशाल्लाह, और एकदम ऑयल भी नहीं दिख रहा है आपको ज़्यादा, और बढ़िया सा टेस्ट में भी बढ़िया सा मज़ेदार है। चटनी सॉस, टमाटर सॉस, केचप किसी के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। वैसे लाल मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिए, आप चाहें तो हरी मिर्ची भी सब्जियों बनाने के टाइम पे काट कर डाल सकते हैं। एक बड़े से बाउल के अंदर 3 मीडियम साइज के आलू बॉईल कर छील निकाल कर इसे रफली चॉप करके डाल दीजिए। ये है 1 कप बॉईल करी हुई चिकन। चिकन में मैंने थोड़ा सा पानी डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डाल के उसे बॉईल कर लिया। जब बॉईल हो गई चिकन, पानी ऑलमोस्ट सूख गया तो मैंने उसे ठंडा होने के बाद शेड कर लिया। इसमें डाल दीजिए बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया। मैं 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर 2 मैंने बड़ी साइज़ की प्याज थी तो उसे छुंदा किया, आप 3 छोटी हो तो 3 लीजिएगा, छुंदा प्याज डालिएगा। इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, नमक 1/2 छोटा चाय का चम्मच या स्वाद अनुसार, 1 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चाय का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 3/4 या 1 छोटा चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब या ऑरेगानो, मैं ऑरेगानो डाल रही हूँ, 1/2 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून भरकर टमाटर सॉस और 2 टेबलस्पून भरकर मायोनीज, इसके साथ साथ 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। ये सारी चीज़ें डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
अब नमक चख लीजिए, अगर कम लगे तो नमक डाल दीजिए, स्पाइस कम लगे तो स्पाइस के लिए रेड चिली सॉस और आधा या एक टेबल स्पून डाल दीजिए। अच्छा, मैंने यहाँ पर कैप्चर नहीं कर पाई, मैंने यहाँ पर एक टेबल स्पून मायोनीज और डाला है, और आप भी डाल सकते हैं, नहीं तो इतनी भी बस है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, जब मिक्स हो जाए तो आप चाहे तो एक घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, मैनेजेबल ना हो तो। लेकिन मैं यहीं से शुरू करती हूँ। थोड़ा सा तेल से हाथों को ग्रीस कीजिए, एक अच्छा जेनरस पोर्शन लीजिए, इस तरीके से पैटी बनाकर साइड पर रखते जाइए। मीडियम साइज की पैटी बनाइए, बहुत बड़ी भी नहीं, बहुत छोटी भी नहीं। और पैटी भी इस तरीके से बनाइएगा कि हम जो ब्रेड है ना ले रहे हैं उसके बीच में ये प्रॉपरली समा पाए, एकदम बड़ी भी ना हो जाए और एकदम छोटी भी ना हो जाए। अब मेरे यहाँ मुझे मैनेजेबल नहीं लग रही है तो मैं फ्रिज में रख रही हूँ। आप चाहें तो फिर से आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, अगर आपने मेरे साथ कंटिन्यू किया हो तो। और अगर आपने पहले भी फ्रिज में रखा है तो आप इस समय भी फ्रिज में रख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सारी बना ली है मैंने और एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। तब तक हम दूसरी चीज़ें कर लेते हैं। ब्रेड लीजिए और इसे कटोरी या वाटी लीजिए बड़ी साइज़ की, और इस तरीके से उसको गोल शेप कर कर आकार देकर इसके जो बाकी के बचे हुए ब्रेड है वो साइड पे हटा लीजिए। जो बाकी के लेफ्ट ओवर्स है वो आप किसी और चीज़ में काम में ले सकते हैं या फिर उनके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड के इस तरीके से गोल शेप कर लेती हूँ। ये हो गए, ये साइड पर रख दीजिए। अब एक बाउल के अंदर आधा कप मैदा डालिए, नमक डाल दीजिए थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से फेंट लीजिए। मतलब ऐसा टेक्सचर बनाइए कि एकदम गाढ़ा भी ना हो और एकदम पतला भी ना हो, मीडियम कंसिस्टेंसी का टेक्सचर बनाकर इसे साइड पर रख दीजिए। एक घंटा हो चुका है तो मैं फ्रिज से चिकन को निकाल ली हूँ, पैटी को। और सबसे पहले ये जो हमने गोल आकार में ब्रेड को काटा है, इसे मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे नीचे बिछा देती हूँ। इस तरीके से मेरा प्लेटफॉर्म साफ है, आप चाहें तो उसमें भी रख सकते हैं, प्लेट पे भी कर सकते हैं इसे। और अब एक चीज स्लाइस को मैंने चार हिस्से किए हैं और वो एक एक हिस्से में यहाँ इस तरीके से सबसे पहले बेस पे रखते जा रही हूँ। उसके बाद आप पैटी रखते जाइए एक एक करके सारे हमारे ब्रेडों के ऊपर, और उसके बाद फिर से वो जो चीज़ को मैंने 1/4 जो पीस किया है इसके ऊपर फिर से एक चीज़ का पोर्शन रख देती हूँ, और इसे ढक दीजिए एक हमारे ब्रेड से, इसी तरीके से राउंड गोल आकार करे हुए ब्रेड से। ये है ब्रेड क्रम, और ये जो अभी हमने बनाकर रखा है मैदे का मिक्सचर, ये लीजिए, ये एकदम गाढ़ा भी नहीं है और एकदम पतला भी नहीं है, हाँ एकदम रनी भी नहीं है। तो एक ब्रेड के ये लीजिए हमारे पूरे पैक को, और इसे उलट पलट कीजिए मैदे के अंदर, अच्छे से डिप कीजिए, और साइड से भी वेल डिप करके इसे ये ब्रेड क्रम्स के अंदर वेल कोट कीजिए, चारों ओर से, आगे पीछे और साइड से बहुत अच्छे से वेल कोट हो जाए तो इसे साइड पर रख दीजिए। ये बन गया हमारा एक मज़ेदार सा चिकन चीज मून, ब्रेड मून आई मीन। अच्छा, अब इसी तरीके से सारे बना लीजिए, लेकिन याद रहे वेल कोट कीजिएगा मैदे के बैटर में भी और ब्रेड क्रम से भी अच्छे से कोट कीजिएगा चारों ओर से और साइड से भी। अगर मैदे का बैटर क्रम खत्म हो जाए तो दूसरा फिर से बना लीजिए सेम बैच करके। अच्छा, अब आपने अभी फ्राई करना है तो ये सारे जब बन जाते हैं, मतलब मैदा और बटर क्रम्स के अंदर जब अच्छे से आप वेल कोट कर लें तो इन्हें आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद फ्राई कीजिएगा। और अगर आपने फ्रीज करके स्टोर करके रखना है तो आप सबसे पहले तो ये बन जाए तो इन्हें एक घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। जब अच्छे स्टिफ हो जाएंगे तो एयरटाइट कंटेनर लीजिए, उसके यहाँ नीचे सबसे पहले आप बटर पेपर रखिए, ये हमारे बिछाते जाए चिकन चीज ब्रेड मून्स को या चिकन चीज कटलेट का, ये इन्हें फिर से एक पेपर लीजिए बटर पेपर, फिर से इन्हें बिछाते जाए, फिर से बटर पेपर लगाएं और फिर से आप हमारे ये ब्रेड के कटलेट्स रखते जाएं और फिर इसे ढक कर आप फ्रीजर में रख दें, तकरीबन एक महीने तक रख के खा सकते हैं आप। वैसे ये मेजरमेंट में 10 बने हैं और ये वाले जो मैं अभी फ्राई करने वाली हूँ इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अब फ्राइंग के लिए तेल गरम कीजिए फास्ट आंच पर। जब फास्ट आंच पर तेल गरम हो जाए तो मीडियम आंच करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये एक पैकेट डाल दीजिए हमारे चिकन मून का या चिकन कटलेट का, ये उसका, और इसे मीडियम आंच पर फ्राई करें कुछ सेकंड्स के लिए, ऐसे ही रहने दें। उसके बाद पलट दें और उलट पलट करते हुए तकरीबन मीडियम आंच पर कुछ मिनटों के लिए फ्राई कर लें। तब तक फ्राई करें जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल कर
नितारने के लिए छन्नी के ऊपर रख दें, टिश्यू पेपर के ऊपर मत रखिएगा नहीं तो थोड़े से नरम पड़ जाते हैं, और इसी तरीके से सारे बैचेस में फ्राई कर लें। अच्छा आप देख सकते हैं साइड से बिल्कुल भी कुछ नहीं निकला है, आप देख सकते हैं है ना, नहीं तो आप डर रहे होंगे कि अरे साइड से तो शायद खुला रह गया होगा या कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होता है, ये आप देख सकते हैं परफेक्टली पैक हो गया है, ऐसा लग रहा है ना चांद मैंने इसे नाम दिया है, अब आप जो भी कहें इसे कटलेट कहें। ये देखिए कितने क्रिस्पी हुए माशाल्लाह, मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या मजेदार लग रहे, और अंदर से बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, ट्रस्ट में आप खाओगे तो खाते रह जाओगे। वैसे चटनियों की रेसिपी लिंक्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, और जो भी स्पाइस डालो आप आपके हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, और बच्चों के लिए भी डालें तो अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो है ना बढ़िया सा बन गया मेरी स्टाइल में चिकन मून। फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, चूल्हा चालू कर दीजिए, और इसमें डाल दीजिए एक छोटा चका चम्मच बारीक कटा हुआ या कूटा हुआ लहसुन, मैंने कूटा हुआ डाला है, और इसे तकरीबन एक मिनट तक फ्राई कीजिए। जब एक मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन बोनलेस को एकदम छोटी छोटी बोटी करवाई थी, और घर पे ही उससे करवाने के बाद घर पे ही थोड़ा सा मैंने कीमा कैसे कूटते हैं वैसे थोड़ा सा घर पे कूट लिया था बोर्ड के ऊपर, तो ये देख सकते हैं आप बहुत बारीक बारीक पीसेस है। अब डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, लेकिन कीमा नहीं है ये। अब चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और इसका पानी छूटने दीजिए और कलर चेंज हो जाए तब तक फ्राई कीजिए। बीच में मैंने आधी हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाली थी, आप चाहें तो कम या ज्यादा या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब ये पानी छूट गया है और कलर चेंज हुआ है तो यहाँ डाल दीजिए एक छोटा चाय चम्मच सिरका, एक बार चला लीजिए। अब डाल दीजिए 3/4 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं आप। 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, ये डालकर दोनों चीज़ डालकर मिक्स कर लीजिए और इसे स्लो आंच पर ढक कर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती, तो पानी भी सूख जाएगा। अगर बीच में एक बार चेक कर लीजिए खोल के, अगर लगे कि बहुत सूख चुका और गली नहीं है चिकन, एक चीटा मार लीजिएगा पानी का और फिर ढक कर स्लो आंच पर रहने दीजिएगा। चलिए 10-12 मिनट हो चुकी है, चिकन चेक कर लीजिए। जब चिकन गल जाए तो यहाँ पर डाल दीजिए 2 टेबलस्पून भरकर पिज्ज़ा पास्ता जो सॉस आता है ना रेडीमेड, वो वाला डाल दीजिए। मैं वीबा का डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना हो पिज्ज़ा सॉस तो आप 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस को मिक्स करके इसमें डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं बारीक कटी हुई प्याज डाल रही हूँ, एक छोटी सी थी, पर मैं आपको बता देती हूँ कितने टेबलस्पून होती है। हाँ अगर आप भर कर लेंगे तो 2 टेबलस्पून, 2.25 टेबलस्पून जितनी होगी। अब मैंने तीनों टाइप की शिमला मिर्च को 1/4 लिया है और 1/4 को बारीक बारीक काटा है, उसकी भी मैं बता देती हूँ टेबलस्पून में कितने होंगे। ये देखिए समझिए ना, भर कर आप लोगे तो 1.5 टेबलस्पून लाल शिमला मिर्च डाली मैंने, 1.25 या 1.5 टेबलस्पून जितनी ही पीली शिमला मिर्च डाली, ये देखिए, और हरी शिमला मिर्च बड़ी थी तो तकरीबन समझिए ना 2-2.25 टेबलस्पून जितनी निकली है। अब ये सारी चीज़ों को डाल दीजिए, एक छोटा चाय का चम्मच या फिर मिक्स्ड हर्ब डालें या फिर ऑरेगानो डालें, मैंने ऑरेगानो डाला है हर्ब, और सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और 1-2 मिनट तक इसे सिर्फ पकने दीजिए। 1 मिनट में मैं स्लो आंच पर पका रही हूँ और बाकी का 1 मिनट मैं मीडियम आंच करके चूल्हा पका लेती हूँ इन्हें। जब बाकी का 1 मिनट हो जाता है तो चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे ठंडा हो जाने दीजिए, साइड पर रख दीजिए। चलिए दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक प्याले के अंदर 3-4 टेबलस्पून मैदे का आटा डालिए और थोड़ा सा पानी डालकर इसे एक अच्छा घोल बना लीजिए। एकदम गाढ़ा भी नहीं और एकदम रनी भी नहीं होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी का ये घोल बनाइएगा और इसे भी साइड पर रख दीजिए। अब एक ब्रेड लीजिए, स्टील की वाटी बड़ी सी लीजिए और इसे इस तरीके से करेंगे ना तो आपको गोल शेप मिल जाएगा, गोल आकार मिल जाएगा, और ये जो साइड के बचे हुए हैं आप इसे पीस कर इसका ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। चलिए इसी तरीके से सारे ब्रेड को कर लीजिए और राउंड शेप दे दीजिए। ये सारे मैंने बना लिए हैं, इसे साइड पर रख देती हूँ।
दो ब्रेड लीजिए, उन्हें इस तरीके से रखिए। एक आइसक्रीम स्टिक लीजिए जो मैदे का हमने बना के रखा है, ग्लू कहिए या मिक्सचर कहिए, वो भी रखिए। और ये जो स्टिक है ना आइसक्रीम की, इस तरीके से इस पे मैदे का उलट पलट दोनों ओर पे ये लगा दीजिए, 1/4 पोर्शन पे, ये देखिए। और इसे एक ब्रेड के ऊपर रख दीजिए, ऐसे आप देख सकते हैं। अभी जो चिकन मिक्सचर है वो लीजिए और बीच में यहाँ ये डाल दीजिए, हमारा चिकन का मिक्सचर 1/4 टेबल स्पून जितना लीजिएगा। अब इसके ऊपर एक चीज का स्लाइस रख दीजिए, और ये जो हमारा हमारा दूसरा वाला ब्रेड है ना, इसके चारों ओर इसका जो मैदे का हमने ग्लू कहिए या मिक्सचर या स्लरी बना के रखा है, इसे चारों ओर लगा दीजिए। और इसे इस तरीके से कवर, पहले प्रेस कर लीजिए और फिर कवर कर लीजिए, और इसे अच्छे से हाथों की मदद से प्रेस करें तो चारों ओर से ये चिपक जाए ना, हमने ग्लू लगाया है, ये मैदे का ग्लू लगाया है। तो ये देखिए हमारी बन गई एक पॉप्सिकल। इसी तरीके से सारे बना लीजिए। अच्छा, मैंने क्या किया, एक साथ सारे लगा दिए हैं ब्रेड्स, उसके बाद ये स्टिक्स लगा दी है, उसके बाद सारी चिकन मिक्सचर डाल रही हूँ, और अच्छे से चिकन मिक्सचर डालिएगा। और उसके बाद सारे जो उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे चीज़ के पोर्शंस रख दिए हैं अपनी चीज़ स्लाइस, और उसके बाद फिर मैंने कवर कर लिया। तो एक साथ हो जाता है, तो क्विकली हो जाता है। ये देखिए सारे हो गए हैं मेरे, आप देख सकते हैं ये मिक्सचर के अंदर तकरीबन 10 बने हैं। इसे साइड पर रख दीजिए। एक बड़े से बाउल में 2 अंडे डाल दीजिए, हल्का सा नमक और 3-4 टेबल स्पून जितना दूध डालकर बहुत अच्छे से फेंट कर इसे साइड पर रख दीजिए। अब ये है ब्रेड क्रम, और ये हमारी एक पॉप्सिकल चिकन वाली पिज्जा वाली। अब इसके बहुत अच्छे से उलट पलट करते हुए बहुत अच्छे से डिप कीजिए, और अंडा बराबर चारों ओर लगना चाहिए। उसके बाद आप ब्रेड क्रम्स में डालें, अच्छे से वेल कोट करें चारों ओर से, साइड पे रखते जाइए, इसी से तरीके से सारे बनाते जाइए। अच्छा, जो अंडा और ब्रेड क्रम है ना, ये जो जहाँ स्टिक है ना वहाँ बराबर से लगनी चाहिए। तो अगर आपका अंडा वहाँ नहीं पहुँच रहा है तो आप चम्मच की मदद से भी वहाँ डाल सकते हैं और ब्रेड क्रम अच्छे से लगा लीजिएगा। ये चलिए सारे बन चुके हैं। अब आप अगर अभी फ्राई करना चाहते हैं तो आधे घंटे के लिए सेट होने फ्रिज में रहने दीजिए, और अगर आपको इसे स्टोर करना है तो आप डायरेक्टली ये दोनों प्लेट्स को फ्रीजर में रख दीजिए एज इट इज। उसके बाद 1 घंटे के बाद निकालिए, एक एयरटाइट कंटेनर के अंदर नीचे बटर पेपर डालें, फिर आपकी ये पॉप्सिकल्स डाल दें, फिर बटर पेपर डालें, फिर पॉप्सिकल्स डालें, इसी तरीके से लेयर्स बनाते जाएं, और इसे ढक कर फ्रीजर में रख दें। 1 महीने तक रख के खा सकते हैं, या फिर आप जिपलॉक बैग में भी रख सकते हैं। अच्छा, मैं आधी रख रही हूँ फ्रीज करके स्टोर करके, और आधी को मैं अभी ही बना रही हूँ, तो मैं आधी जो बना रही हूँ उसे फ्रिज में रख देती हूँ। और ये जो मेरी थी इसे मैंने फ्रीजर में रखा था, और उसके बाद कड़क हो गई, उसके बाद मैंने इसे डब्बे में डाला है। फ्राइंग के लिए तेल लीजिए, फास्ट आंच पर तेल गर्म हो जाए तो उसे मीडियम आंच कर दीजिए, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर पॉप्सिकल डाल दीजिए हमारी चिकन पिज्जा वाली, और इसे कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई करें। उसके बाद उलट पलट करते जाएं और मीडियम आंच पर तब तक फ्राई करें जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे एक छन्नी के ऊपर निकाल कर साइड पर रख दीजिए, टिश्यू पेपर के ऊपर मत निकालिएगा, नहीं तो हल्के से नरम पड़ जाते हैं। इसी तरीके से सारे बैचेस में फ्राई कर लीजिए। मैंने अंडे की कोटिंग देकर फिर ब्रेड क्रम्स में रोल किया है, आप चाहें तो मैदे की कोटिंग भी कर सकते हैं। अंडे को स्किप कर दीजिएगा और मैदे की एक मीडियम कंसिस्टेंसी की कोटिंग बनाकर उसमें उलट पलट करके फिर ब्रेड क्रम्स में उसे अच्छे से वेल कोट कीजिएगा। चलिए ये सारे बन चुके हैं, आप देख सकते हैं बढ़िया से हमारे चिकन पॉप्सिकल्स पिज्जा वाले। अब मैं आपको एक बता भी देती हूँ कितने क्रिस्पी है, ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं आपको एक खोल कर भी दिखा देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए क्या माशाल्लाह दिख रहे हैं, चीज भी है, क्या बढ़िया लग रहे हैं, और टेस्ट में तो इतने मजेदार है कि आप खाओगे ना तो खाते रह जाओगे इंशाल्लाह। इतने बढ़िया है, इन्हें कोई चटनी वगैरह की भी जरूरत नहीं है, इनफैक्ट बढ़िया से मजेदार से बनते हैं घर पर, है ना मजेदार। मजा आया देख के, बनाकर भी बहुत मजा आएगा। अगर आप बनाएं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।